पिछले वीडियो में हमने रीजनिंग की बात की थी, इंडक्टिव रीजनिंग को एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया था, समझा था। इस वीडियो में समझेंगे डिडक्टिव रीजनिंग क्या है। ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या है। आई फॉर इंस्टांसेस अगर याद रखना है, आई फॉर इंस्टांसेस याद रखो, इंस्टांसेस से एग्जांपल से शुरू करना है, रूट लेवल से शुरू करना है, एग्जांपल को कलेक्ट करना है, और एग्जांपल को कलेक्ट करके द सेकंड स्टेप जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनालिसिस है, जो एग्जांपल की सिमिलैरिटी एग्जांपल में डिफरेंसेस है उनको एनालाइज करना है, कंपेयर करना है, और उसके बेस पर कंक्लूजन की तरफ जाना है, हायर की तरफ जाना है। हायर में एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज होती है। सो इंडक्टिव रीजनिंग क्या की थी हमने कि कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट जाना है, पर्टिकुलर से जनरल कंक्लूजन की तरफ जाना है, और ये जाना कैसे है इस प्रोसेस से, एनालिसिस से। ये मेन थिंकिंग, सेंसिबल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग ये है, ये जो हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अक्सर ये मिस कर देते हैं। कई बार टीचर एग्जांपल प्रेजेंट करता है और कंक्लूजन बता देता है, वो इंडक्टिव रीजनिंग नहीं है, वो सिर्फ इंडक्टिव रीजनिंग का एक अच्छा नाटक है। सो दिस इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। व्हेन यू एनालाइज, यू फाइंड सिमिलैरिटी डिफरेंसेस एंड कंपेयर देम, देन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी यू जनरली रीच ऑन द कंक्लूजन। और इम्पॉर्टेंट एक बात थी इंडक्टिव रीजनिंग में कि जो एग्जांपल्स हैं उनमें डिफरेंसेस कितने हैं। अगर ज्यादा डिफरेंसेस है, वेरिएशन बहुत ज्यादा है, जैसे बर्ड्स में वेरिएशन आप देखना, आगे देखना कितनी वेरिएशन है, तो जितनी ज्यादा वेरिएशन है उतने ज्यादा कंक्लूजन निकालने डिफिकल्ट होते हैं, उतना इनडेप्थ एनालिसिस करना पड़ता है। जितनी होमोजीनियस है, सेम सेम है, ओके तो अगर मैं एनिमल की पॉपुलेशन लेता तो हेट्रोजेनिटी बहुत थी, मैंने सिर्फ बर्ड्स की ली, बर्ड्स में उनके फीडर होते हैं, वो उड़ सकते हैं, एक छोटी छोटी सिंपल सी प्रॉब्लम ली, ये होमोजेनियस इसकी नेचर, मेरी पॉपुलेशन या मेरे नंबर ऑफ एग्जांपल या इंस्टेंसेस की ज्यादा है, तो इनमें कंक्लूजन निकालने आसान होता है क्योंकि हमने कंसेप्ट को समझना था। तो जब हम ये कंक्लूजन निकाल लेते हैं, उन कंक्लूजन निकालने के बाद उन कंक्लूजन को फिर किसी पर्टिकुलर एग्जांपल पर अप्लाई करते हैं, किसी केस पर अप्लाई करते हैं, किसी सिचुएशन, स्पेसिफिक सिचुएशन, पर्टिकुलर सिचुएशन पर अप्लाई करते हैं, किसी सैंपल पर अप्लाई करते हैं, इवेंट्स पर अप्लाई करते हैं। जब ऐसा करते हैं, किस लिए करते हैं हम, क्योंकि हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। So in order to solve a problem, when we apply these conclusions on a specific example, again on life, this process is known as deductive reasoning. तो general से particular की तरफ जाना, general से specific की तरफ जाना आपकी डिडक्टिव रीजनिंग हो गई। अच्छा, एग्जाम में, नेट में, जहां आपके पीएचडी के एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि इंपीरिकल लॉ से केसेस की तरफ जाना क्या है, कंसेप्ट से इवेंट्स की तरफ जाना क्या है, थ्योरीज से एग्जांपल की तरफ जाना क्या है, जो स्टेटमेंट्स हैं उनसे फैक्ट्स की तरफ जाना क्या है, कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये सिंपल इस बात का ध्यान रखना है कि इन टर्म्स को किसी भी तरह से वो एग्जाम में यूज कर सकते हैं। आपने बस उसको प्रोसेस को समझना है कि मैं एग्जाम्पल से अगर किसी किसी भी एस्पेक्ट में स्टेटमेंट 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 ज्यादा आ रही हैं, टेक्स्ट ज्यादा, सेंटेंसेस ज्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब आपको समझ लेना चाहिए कि डिडक्शंस चल रही हैं। आपको आगे मैं एक्सरसाइज बताता हूं आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जा सकता है। डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग में जब प्योर रीजनिंग है डिडक्टिव, ओके, ये हमने की प्रैक्टिकल से गए थे, देखे हैं, सेंसेस से एक्सपीरियंस किए, फिर रीजनिंग करके कंक्लूजन निकाला कि सभी बर्ड्स के फीडर होते हैं। तो एक बर्ड है, फॉर एग्जांपल यहां पर, चलो ये कंक्लूजन ले लेते हैं,
द बर्ड्स विद वीक फीदर एंड हैवी वेट कैनॉट फ्लाई, ये कंक्लूजन ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है। तो आगे चल के देखते हैं कि आपको एक स्पेसिफिक यहाँ एग्जाम्पल मिल गई, कौन सी, ये वाली, क्रॉसबेरी हैव वीक फीदर एंड हैवी बॉडी। आप देख सकते हो कंक्लूजन क्या निकलेगा कि क्रॉसबेरी कैनॉट फ्लाई। तो ये यहां पर आपने जो स्पेसिफिक, अच्छा ये सबसे खतरनाक पंछी भी है, ये वेरिएशन में आगे आप डिस्कस कर सकते हो कि खतरनाक पंछी, कम खतरनाक पंछी, ये खाने वाले पंछी, वो खाने वाला पंछी, कितनी मर्जी स्टडी करी जो आप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो है, प्योर रीजनिंग डील्स विद फॉर्म्स, फॉर्म्स मीन आइडियाज, स्टेटमेंट में जो आइडियाज हैं। अब स्टेटमेंट स्टेटमेंट आएगी, डिडक्शन है ना, पहले स्टेटमेंट स्टेटमेंट आएगी, उधर एग्जाम्पल एग्जाम्पल ज्यादा आ रही थी इंडक्शन में, और रीजनिंग डील्स विद फॉर्म्स, ओके, नॉट विद द कंटेंट। इस बात को समझ लीजिए, जब आप सिलोजिज्म भी करते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये कैसी रीजनिंग है। ठीक, सेकेंड पॉइंट है, रीजनिंग मे बी एक्यूरेट बट कंटेंट में भी इंपीरिकली रॉन्ग। एग्जाम्पल फ्रॉम सिलोजिज्म ले रहा हूं, ओके, एग्जाम्पल है, इसको आगे कर लेते हैं, ओके, एग्जाम्पल है ऑल बॉयज आर गर्ल्स, एक स्टेटमेंट हो गई, डिडक्टिव रीजनिंग स्टेटमेंट स्टेटमेंट स्टेटमेंट, ओके, प्रीमिसेस या स्टेटमेंट, ऑल गर्ल्स आर हैप्पी, आइडिया इसको ठीक, आप जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है आप इसकी फॉर्म को, आइडिया को एक्यूरेट समझते हो, ठीक, लेकिन इसका कंटेंट जो है वो जरूरी नहीं है ठीक हो, ये बात कहने चाहते हैं। रीजनिंग मे बी एक्यूरेट, ऑल बॉयज आर गर्ल्स और गर्ल्स आर हैप्पी, अगर मैं कंक्लूजन निकालता हूं All boys are happy, तो ये रीजनिंग के मुताबिक बिल्कुल ठीक है, सिलोजिज्म एरिस्टोटल ने जो रीजनिंग का वे दिया था बिल्कुल ठीक है। जब इसी रीजनिंग को आप इंपीरिकली देखोगे, मतलब उसका कंटेंट देखोगे, तो ये जरूरी नहीं है ठीक हो। All girls are happy, क्या ऑल गर्ल्स, ये गर्ल्स हैं, कुछ गर्ल्स हैप्पी हैं, डाटा क्या कह रहा है, तो कितनी मूवमेंट्स हो रही हैं, जिन लड़कियों का रेप होता है, ये टोटल डाटा मैंने दिया है, ये एम्पिरिकल हो गया सारा कुछ, डाटा है, एग्जांपल्स है, केसेस है, ये एम्पिरिकल हो गया। तो इंडिया की किस स्टेट में कितने कितने रेप हर साल होते हैं, पर डे कितने होते हैं, ये देखिए 77 रेप केसेस वर रिपोर्टेड अक्रॉस इंडिया ऑन एन एवरेज एवरी डे 2020 में। तो इसके अलावा एसिड केस हैं, मेडिकल रेप हैं, अच्छा और कई ढंग से लड़कियों को तंग किया जाता है, तो क्या ये कहा जा सकता है कंटेंट, ये कंटेंट है, तो यहां कंटेंट ठीक हुआ ऑल गर्ल्स आर हैप्पी, नहीं, पर जब रीजनिंग में ये स्टेटमेंट लिखी हुई है तो आप इसको ठीक समझ रहे हो। सो दिस इज द फॉर्म्स और आइडिया, आइडिया नंबर एक, आइडिया नंबर दो, फॉर्म नंबर वन, फॉर्म नंबर टू। फॉर्म्स क्यों यूज किया गया, जो प्लेटो है उसने अपने आइडियलिज्म में, रैशनलिज्म में फॉर्म्स वर्ड यूज किया था, ओके, अच्छा, दूसरा ये भी नहीं है, अगर आपकी प्रैक्टिकल रीजनिंग है ठीक है तो कंटेंट भी आपका ठीक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, ठीक है, जहां ऑल बर्ड्स हैव फीदर, स्पैरो इज ए बर्ड, कंक्लूजन स्पैरो कैन फ्लाई, स्पैरो हैव फीदर, तो यहां पर आइडिया ठीक लेके चल रहे हैं जो दिया गया है स्टेटमेंट, ठीक है, फॉर्म, और जो कंटेंट है वो भी ठीक हो सकता है,
पर जब कंटेंट को यहाँ अप्लाई करेंगे उन आठ वर्ड्स पर जो आगे पीछे देखे थे हमने, सॉरी हाँ, तो क्रॉसबेरी को जब देखते हैं तो ये यहां पर कंटेंट थोड़ा सा गलत हो रहा है, ठीक है। और पर आइडिया अगर आप ये कंक्लूजन निकाल लेते हो तो आइडिया आपका, रीजनिंग आपकी, जो दूसरा कहते हैं तो आपका फॉर्म्स जो है वो प्रैक्टिकल रीजनिंग में फॉर्म्स आपका आइडियाज आपके ठीक हो सकते हैं अगर आप रीजनिंग ठीक करते हो, लेकिन कंटेंट प्रैक्टिकल रीजनिंग में ठीक होने की संभावना है। प्योर रीजनिंग सिलोजिज्म एरिस्टोटल ने जो दिया था उसमें जो क्वेश्चन आपको नेट में पूछा भी जाता है उसमें आपका कंटेंट इंपीरिकली रॉन्ग हो सकता है, जो बात हम गर्ल्स की यहां पर करके आए हैं, डाटा उससे मैच नहीं करता। ओके, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई पैरोजेबल रेपिटेशन है। अच्छा, आप अब ये डिडक्टिव की बात कर रहे हैं, हम डिडक्टिव में अब आप स्पेसिफिक केस पर इसको अप्लाई करो कि ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, ऑल बर्ड्स कैन हैव फीदर। ओके, द बर्ड्स विद हैवी बॉडी जहां लाइट बॉडी एंड स्ट्रॉन्ग फीदर कैन फ्लाई, अगर एग्जाम्पल उनसे मैच करती है इट मीन्स के डव इज ए लाइट बॉडी एंड स्ट्रॉन्ग फीदर, इट मीन डव कैन फ्लाई। तो ये बड़े ब्यूटीफुल मैंने बर्ड्स निकाले हैं, अगर देखने आप देख सकते हो एक मिनट के लिए, देखो ये भी बर्ड्स है। ये हेट्रोजेनिटी की यहां बात की थी, आप लाइट वेट के हिसाब से वेरिएशन देखो कितनी, ठीक है, जितनी वेरिएशन है उतनी हेट्रोजीनियस है। आपने इतने साइज का पंछी शायद नहीं देखा होगा, आगे भी देखिए, ये भी एक पंछी है, एक नील पर इतना छोटा पंछी है ना, इसके भी पर है, ये भी उड़ सकता है या इस पर भी वो अप्लाई होगी, लेकिन इसका वेट वो ऑस्ट्रिच के वेट से कंपेयर कीजिए, दिस इज वेरिएशन। ओके, वेरिएबल यहां से बनना है, हम रिसर्च में लगभग रिसर्च के बेसिक कंसेप्ट करने लग पड़े हैं, तो यहां वेट वेरिएबल है क्योंकि इतने वेट से कितना इतना छोटा पंछी है, इतने से इतना बड़ा वो वेट, उसका साइज की वेरिएशन है, ये सारे वेरिएबल की एग्जांपल है। डव है, ये बड़े प्यारे पंछी है, आप देख सकते हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंडक्टिव रीजनिंग डिडक्टिव रीजनिंग हम बात कर चुके हैं कि जनरल स्टेटमेंट से, जनरल डेफिनेशन से, कंक्लूजन से, प्रोपोजिशन से स्पेसिफिक की तरफ आना, ये डिडक्टिव रीजनिंग है। तो आप अब आइडेंटिफाई कीजिए, देखिए कितने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। मेथड ऑफ टीचिंग वेदर, दिस इज एक्सरसाइज फॉर यू नेट के लिए, पीएचडी के लिए, इवन आपके पेपर सेटर ने भी इतने क्वेश्चन नहीं बनाए होंगे, कम से कम 30-40 क्वेश्चन मैंने अभी इसके बाद बनाए हैं। डिस्क्रिप्शन आपने बताना है कि डिस्क्रिप्टिव जो क्लासरूम में टीचर डिस्क्राइब करता है, जब आप डिस्क्राइब कुछ करते हो, वेदर इट इज इंडक्टिव डिडक्टिव अनसर्टन कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग क्या है, आपको टिक करना है। लेक्चर मेथड क्या है, आपको टिक करना है, इंडक्टिव है या डिडक्टिव है। ओके, सर्वे मेथड क्या है, इंडक्टिव है डिडक्टिव है, नहीं पता। फाइव ई अप्रोच, अच्छा कई तो आपको शब्द ही नहीं पता होंगे, तो ये लास्ट में तीन चार मैंने थिंकर्स जो हैं मेन साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने लर्निंग थ्योरीज दी हुई हैं, जीन पियाजे ने कौन सा मेथड सुजेस्ट किया है, इंडक्टिव किया है या डिडक्टिव किया है, जब अनसर्टन है उसको भी नहीं पता। ब्रूनर ने कौन सा मेथड सुजेस्ट किया है, इंडक्टिव है डिडक्टिव है। ओके, आपका कोरिलेशनल रिसर्च, इतने टाइप की रिसर्च है, आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किस रिसर्च मेथड में इंडक्शन है, डिडक्शन है, या अनसर्टन है, या कोई भी नहीं है,
इतने क्वेश्चन बन रहे हैं। अच्छा, एक्सपर्ट को पेपर सेटर क्यों नहीं डालते? क्योंकि उनको खुद को अभी तक क्लैरिटी नहीं है। मुझे भी सभी की क्लैरिटी नहीं होगी। मैं एक्सपर्ट से जब बात करता हूं तो आंसर नहीं मिलते। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए, आपको एक्सरसाइज अब करनी है, एथनोग्राफिकल रिसर्च जो है वो इंडक्टिव है या डिडक्टिव है, अथॉरिटी एज सोर्स ऑफ नॉलेज करके आए हैं। अथॉरिटी मम्मी पापा आपको टीच करते हैं, डॉक्टर है, टीचर है, रिलीजियस बुक्स हैं, वो क्या है, इंडक्टिव है डिडक्टिव है कि पता नहीं है। सिलोजिज्म क्या है, अभी बात करके आए हैं, डिडक्टिव है इंडक्टिव है, ये तो आसान है, ये तो दे सकते हो आप जवाब। ओके, क्वालिटेटिव मेथड ऑफ रिसर्च, क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ रिसर्च। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीटेट सीटेट में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, उसका सिंपल सेंट्रल आइडिया नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बताइए कि इंडियन क्लासरूम में क्या इंडक्टिव अप्रोच चल रही है या डिडक्टिव चल रही है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में स्कूल में कौन सी अप्रोच बार बार बताई गई है? इंडक्टिव, डिडक्टिव? पीटेट सीटेट में, इवन यूजीसी नेट में ऐसे क्वेश्चन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, टीचिंग एप्टीट्यूड में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको ये बेस क्लियर है तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड के काफी क्वेश्चन इजीली क्लियर कर सकते हो, क्योंकि आपको ये समझना है कि पुअर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंडक्शन होती है या डिडक्शन होती है, और बेटर टीचिंग जो वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा अप्रूव्ड है, लर्निंग थ्योरीज अप्रूव्ड है, जिसके बेस पर बेस्ट एजुकेशन सिस्टम एस्टेब्लिश हो चुके हैं, उसमें इंडक्टिव अप्रोच है जहां डिडक्टिव अप्रोच डोमिनेट कर रही है। जब ये पता चल जाएगा तो आप वो एक टीचिंग एप्टीट्यूड का कोई भी सिचुएशन आपको दी हुई है ना, आपको ये सिचुएशन ही एक देते हैं ना, तो अब अगर आपको जनरल आइडिया कंक्लूजन क्लियर है, आपकी रीजनिंग हो चुकी है, तो आप उस स्पेशल स्पेसिफिक को सॉल्व कर चुके हैं। अगर अगले वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि इसमें क्या है इंडक्टिव या डिडक्टिव क्या है, इसके आंसर दूंगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में पूछोगे तो, अगर आप एक्टिव होगे तो, अदरवाइज तो फिर वही बात हो गई, डिडक्टिव ही काम रहेगा। अच्छा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन में इंडक्टिव है या डिडक्टिव अप्रोच है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2021 का जो बन रहा है, अभी बन के आ जाएगा, उसमें क्या होगा? 100% अभी जवाब दे रहा हूं, उसमें 100% नहीं बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा। नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी जो है 2020 आ चुकी है, बार बार उसमें मेथड्स ऑफ टीचिंग प्रोसेस प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक कौन सी डोमिनेट करने के लिए कहा गया है, आपको ये बताना है, ठीक है? नहीं बताना तो नेक्स्ट वीडियो देखिए। अगर आपने ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हो तो YES कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। CTET की कोचिंग दे रहा हूं, अगर मुझे इंटरेक्शन थोड़ा सा चाहिए, वो मुझे मिल नहीं रहा अभी, YouTube पर देखा तो 1000 वो सब्सक्राइबर चाहिए, तो फिर मैं इंटरेक्शन कर सकता हूँ। ये क्वेश्चन आपको रोज दो दो चार चार सेंड कर सकता हूँ, आपकी रेगुलर एक्सरसाइज हो सकती है, उससे आपकी रीजनिंग डेवलप होगी, रीजनिंग डेवलप होगी तो स्पेसिफिक प्रॉब्लम, स्पेसिफिक MCQ आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज दैट अप्रोच के आप स्पेसिफिक इतने MCQ सॉल्व करते हो, रीजनिंग डेवलप कम करते हो, तो आपको जो पेपर आपका डिफिकल्ट लगेगा। सो थैंक यू, गिव मी फीडबैक इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।